अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि इसमें बदलाव के तौर पर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है और जिन अग्निवीर जवानों को रिटेन किया जाता था अभी तक 25% कोटा निर्धारित किया गया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि रिटेशन को और बढ़ाया जा सकता है, 25% से उस कोटे को ज्यादा किया जा सकता है। हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? देखिए, जब से अग्निपद स्कीम लागू हुई है यानी कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में अभी फिलहाल दो तीनों सेना के अंगों में तीनों के जो है पहले बैच जो है अभी वो है, यानी कि अभी 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है और उसके बाद 2.5 साल का भी उनका बचता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, खासतौर पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई थी, क्योंकि एक स्कीम है और एक योजना है, योजना को समय समय पर रिव्यू भी किया जाएगा। जिस दिन, जिस वक्त ये लॉन्च किया गया था स्कीम, उसी वक्त ये बात कही गई थी कि समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई बदलाव की गुंजाइश हो तो उसको भी किया जाएगा। तो उसी हिसाब से फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक डीएमए जो है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उन्होंने तीनों सेना के अंगों से रिव्यू मांगा है, उन्होंने डिटेल्स मांगी है, उसके हिसाब से रिव्यू भी किया जाएगा। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना किस तरीके का बदलाव उसमें होगा, लेकिन जो बात कही जा रही है कि जो रिटेंशन है यानी कि जो 25% सैनिकों को रखना है, बाकी 75% जो अग्निवीर है उनको नहीं रखना है। हो सकता है कि रिटेंशन का जो परसेंटेज है ये बढ़ सकता है, साथ ही जो भर्ती है, क्योंकि इस वक्त अगर आर्मी की बात करें, आर्मी में सिर्फ इस बार 40,000 से अग्निवीरों की जो है भर्ती की गई थी, तो हो सकता है कि इस नंबर को भी बढ़ाया जाए ताकि जब नंबर बढ़ेंगे तो 25 रिटेंशन होगा। अगर रिटेंशन 25% भी हुआ तब भी सेना में सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी और साथ ही जो 4 साल का जो कार्यकाल है, हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। छुट्टियां जो कि रेगुलर सोल्जर और अग्निवीरों की छुट्टी है उनके बीच में डिफरेंस है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सैनिक, कोई अग्निवीर अगर कोई एक्सीडेंट में या किसी ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो जाती है या किसी ऑपरेशन में उसकी जान चली जाती है तो उसके घर वालों को फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या दे सकते हैं, कितना हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर भी अभी चर्चा जरूर चल रही है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक ये बदलाव होगा, लेकिन बदलाव हो सकते हैं। दो बड़ी बातें हैं संदीप, पहली तो ये कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 4 साल से उसको ज्यादा किया जा सकता है, और दूसरा रिटेंशन का जो कोटा 25% है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं।